खीरे जो है वो लाडले कितने हैं, बड़े लाड से पल रहे हैं, खेमों में रहते हैं। ये देखे ना, नहीं शहर वालों को पता नहीं होता है कि भाई किस तरह से खीरे होते हैं। ये हरे हरे टमाटर अभी लाल होने वाले हैं, ये टमाटर की फसल है। ये टमाटर की फसल अभी बिल्कुल तैयार हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर। ये अभी अपना रंग बदल रहे हैं, देखें ये हरे से ब्राउन हो रहे हैं, फिर लाल हो जाएंगे ये। और प्लास्टिक के ऊपर जो है देखें, ये पानी, ये नमी जो पैदा होती है वो पानी है। देखें पूरे प्लास्टिक पे आपको ये पानी नज़र आएगा। प्याज नज़र आ रही है आपको, इसमें लगाया गया है, प्याज निकल रहा है। ये प्लास्टिक की थैली है, जिस तरह से प्लास्टिक की शॉपर होती है, इस तरह से ये खीरे आप खाते हैं। और खीरे किस तरह से होते हैं आप ये देखें, खीरे को इस तरह से लगाया जाता है, ऊपर से देखो टेंट लगाया जाता है, देख रहे हैं आप टेंट, और ये जालियां, ये आप देख रहे हैं ये जालियां लगी हुई हैं खीरे की। ये खीरा, ये टेंट, अब ये खीरा जो है ये देखें आप टेंट लगे हुए हैं, और ये आप देखिए धागा लगा हुआ है जैसे मांझा होता है, ये देखिए। ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये फूल पकड़ लिया खीरे ने, और ये छोटे छोटे अभी इसमें खीरे लग रहे हैं। आप सलाद खाते हैं, खीरे को पसंद करते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखें किस तरह से ये छोटा सा एक खीरा ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ भी लगा हुआ है ये। तो ज़मीन पर ये काला प्लास्टिक बिछा हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये प्लास्टिक बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। आप सलाद में खाते हैं, सब्ज़ी में ले आते हैं, हम ज़मींदार किस तरह से इस खीरे को लगाते हैं वो आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे अभी खीरे हो रहे हैं, ये देखें ये आपको बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे, और ये पूरे का पूरा दूर तक खीरा ही खीरा। और इधर जाएं तो ये देखें, ये प्लास्टिक इसलिए लगा दिया गया है ताकि इसे सर्दी ना लगे, और इसके अंदर जो है बिल्कुल बाहर सर्दी है लेकिन अंदर बिल्कुल गर्मी महसूस हो रही है, देखें इसे। और पानी जो है इसके ऊपर ये देख, ये पानी है, ये नमी का पानी है, ये प्लास्टिक गर्म होता है, यहाँ पर नमी आपको पानी ये देखें गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये आप जो देख रहे हैं टेंट लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये टेंट नहीं है, इसके अंदर खीरा है, तो देखें ये खीरा। और ये जो है टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर उसकी जो है बेल चढ़ती है इन पे हरी हरी, जो आप देख रहे हैं ये धागा, वो तो नज़र आ रहा होगा हरा हरा धागा आपको, सारे का सारा तो खीरा लगता है। ये खीरे को लगाने के लिए, यानी खीरे की फसल के लिए हमें टेंट लगाना पड़ेगा, देख रहे हैं आप, ताकि इसको सर्दी ना लगे। यहां भी देख सकते हैं आप, बांस की लकड़ी है जिसको गोलाई दी गई है, और उसको बांस की लकड़ी के ऊपर प्लास्टिक लगाया गया है, और प्लास्टिक के बाद यहां पर ये जाल बिछा दिया गया है, इस पे धागा लगा हुआ है, ये मछली की डोर जो होती है वो लगी हुई है, और ये जो है अब इस पे चढ़ेगा, और ये जो खीरा है उसकी बेल यूँ इन से लिपटती जाएगी, चढ़ती जाएगी। मैंने आपको छोटे छोटे खीरे लगे हुए भी दिखाए थे, और अभी भी दिखाता हूँ आपको, ये फूल लगते हैं, उसके बाद ये खीरे,
और आप हैरान होंगे। और देखें अंदर बहुत गर्मी है, टेम्परेचर गर्मी है अंदर, ऐसे लगता है जैसे हीटर चला है क्योंकि बंद है, और बाहर सर्दी है, इस वजह से ये नमी है। देखिए ना पानी, ये नमी पैदा हो गई है। ये 4 एकड़ पर खीरा लगा हुआ है दूर दूर तक, और बड़ा खूबसूरत लगता है, और ये नजारा और मंजर भी बड़ा प्यारा लगता है। देखिए आप, देखिए आगे तक आपको खीरा नजर आ रहा है, और दूर तक मैं आपको दिखा दूं आगे 4 एकड़ दूर तक। देखिए अभी मैं वहां तक तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको ये आइडिया तो हो गया कि खीरा, खीरे का पौधा कैसा होता है, खीरा किस तरह लगता है, किस तरह परवरिश पाता है, और आप तक किस तरह पहुंचता है। ये देखे खीरा, खीरे का ये फूल पीला पीला, उसके बाद उसमें ये खीरा आना शुरू हो जाता है। जिस तरह ये देखिए अब ये बढ़ रहा है, लग रहा है ये टेंट में खीरा लगता है। ये देखिए जो टेंट लगा हुआ है, मैं आपको बताऊं कि इस टेंट के अंदर जब ये बड़ा हो जाता है और फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो इसको हटा दिया जाता है। इसको हटा देंगे हम, उसके बाद ये खीरा यहाँ पर रहेगा। सिर्फ सर्दी से बचाने के लिए टेंट लगा दिया गया है ये सारा। ये जो आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा हूँ, देखें किस तरह से टेंट लगे हुए, जिसमें खीरा लगा हुआ है, और इस तरफ गन्ना है, और गन्ने का भी सीजन आ चुका है, गन्ना भी जा रहा है मार्केट में, और ये आपको मैं दिखाता हुआ जा रहा हूँ। बहुत सारा जो है टेंट, बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, टेंट में खीरे लगे हुए हैं। तो खीरे की फसल, बहुत से लोग खीरा खाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि खीरा किस पौधे में लगता है, उसकी निशोनिमा किस तरह से होती है, किस तरह से मेहनत होती है, किस तरह से बोया जाता है, फिर मार्केट में इसको पहुंचाया जाता है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, और ये देखें सारे टेंट लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ना, आखिर तक टेंट लगा हुआ है। और यहाँ पर देखें इस तरफ भी, ये देखें टेंट में खीरा लगाया है, और खीरा ही खीरा आपको नजर आ रहा है हर तरफ, पूरी जमीन पर बिछाया गया है प्लास्टिक, उसके बाद इसमें ये काट कर प्याज लगाया गया है, और अब ये प्याज जो है वो देखिए हरी हरी निकल रही है, आपको नजर आ रही है प्याज। तो जनाब यकीनन आप हैरान भी हो रहे होंगे, वो लोग जिनको पता नहीं है कि खीरा किस तरह से होता है वो यकीनन हैरान होंगे। तो देखिए टेंट ही टेंट सिटी जैसे होती है, ये खीरों की टेंट सिटी है, दोनों तरफ आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें किस तरह से इन्होंने स्पेस भी छोड़ा हुआ है, इसमें इन्होंने जगह छोड़ी हुई है, स्पेस छोड़ा हुआ है, और स्पेस छोड़ने की वजह ये होती है कि आप घूम सकते हैं। ये खीरों की टेंट सिटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर खीरे लगाए हैं, और ये है कैन गन्ना,
टेंट सिटी। और टमाटर, ये देखें टमाटर अभी तैयार हो चुके हैं, अभी कुछ दिन है, ये दिखा दूं मैं आपको, टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर और ये टेंट सिटी है खीरो, बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, सोचा कि आज आपको खीरों की खेमा बस्ती दिखाऊं। जब खीरे आपके घर आएं और आप सलाद काटें तो देख लें कि कितने लाड और प्यार से हम खीरों को पालते हैं और आप किस तरह से उन पर छुरी चलाते हैं। आप ये देखें कितने लाड और प्यार से हमने इनको खेमों में रखा हुआ है।